नमस्कार दोस्तों, मैं राज बुरकर आपका कैलिफोर्निया 30 में स्वागत करता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा कैलिफोर्निया 30 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, बिजनेस आइडियाज़ और स्टार्टअप स्टोरीज़, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लेकर आते हैं। और हम आज एक ऐसे ही नए बिजनेस आइडिया के साथ आए हैं जो कि प्लास्टिक के फूलों की माला तैयार, एक लघु उद्योग है, प्लास्टिक के फूलों की माला तैयार कैसे की जाती है, उसमें कितना प्रॉफिट होता है, मार्केट कैसा है, क्या है, ये सब हम देखेंगे। महंगाई के ज़माने में लोग विविध अल्प भांडवली छोटे छोटे गृह उद्योग अच्छा पैसा कमाते हैं। प्लास्टिक के फूलों की माला तैयार करके उसकी बिक्री करना, ये उनमें से एक और गृह उद्योग है। प्लास्टिक फूलों की माला को, शोभा के फूलों को, मालाओं को, खास करके दिवाली, दशहरा, गणेश उत्सव जैसे त्योहारों के वक्त अधिक मांग होती है। पॉलीप्रोपाइलीन पतले प्लास्टिक की शीट्स मार्केट के प्लास्टिक के होलसेल व्यापारियों के पास मिलती है। प्लास्टिक के पतले कागज जैसे शीट्स लेकर हमें जो चाहिए उस रंग के कैंची से विविध आकारों के फूलों के पानों के डिज़ाइन के अनुसार कटिंग करके सुई की सहायता से नायलॉन धागों से ऐसी मालाएँ तैयार की जाती है। रंग बिरंगे प्लास्टिक शीट लेकर हमें जो चाहिए उस रंग की डिज़ाइन हम बना सकते हैं। प्लास्टिक के शीट की सहायता से तैयार की हुई ऐसी मालाएँ अच्छी कीमत से बेची जाती है। उत्पादन खर्चा कम होने से और अच्छी कीमत में बिक्री होने के कारण अच्छा नफा मिलता है। सुशिक्षित बेरोजगार लोग, महिला वर्ग अच्छा उत्पन्न देने वाला व्यवसाय, सुशिक्षित बेरोजगार लोग खास करके महिला वर्ग के लिए एक अच्छा व्यवसाय, नफा देने वाला व्यवसाय है। तैयार माला खराब न होने से नुकसान की भी संभावना कम होती है, इसलिए कभी भी आप बेच सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, आप कभी भी इसके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग की कला अगर आपके पास है तो आप कहाँ पर भी बेच सकते हैं और अच्छा नफा कमा सकते हैं। तो ये आप मार्केट कहाँ कहाँ पर इसका है और कब कब इसका मार्केट उठता है, इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल्स, दुकानें, शोभा की चीज़ें बेचने वाले व्यापारी इन्हें होलसेल कीमत से माल दे सकते हैं। प्लास्टिक के फूलों की मालाएं जैसी चीज़ें डोर टू डोर मार्केटिंग के द्वारा भी सबसे अधिक बेची जाती है। ये हुई मार्केट की बात। अभी इसका मार्केट कब कब उठता है, दिवाली, दशहरा, ईद, रमजान, होली, ऐसे जो उत्सव महोत्सव होते हैं उन पर इसका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर आप एक या दिन में दो या 10 मालाएं बेच रहे होंगे तो उस टाइम आपको 1000 मालाएं लगेंगी, इतना ज़्यादा मार्केट इसका उठता है उस टाइम पे। और ये आप सीजनेबल बिजनेस के रूप में भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मार्केट, इसका प्रशिक्षण, यह एक कारीगरी व्यवसाय होने से माला तैयार करने की कला से भी आपको अनुभव हो सकता है, आता है, या आप किसी जो ये मालाएँ तैयार करते हैं उनके पास काम करके भी ये सीख सकते हैं। 10 से 20 हज़ार रुपये के भांडवल से ये व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। इसको रॉ मटेरियल, प्लास्टिक के रंगीन पतले शीट, नायलॉन के पतले धागे, बस इतना ही इसका रॉ मटेरियल है। कटिंग टेबल, कैंची, बड़ी सुई, पैकिंग साहित्य आदि का ये रॉ मटेरियल लगेगा। मनुष्य बल, अकेले व्यक्ति उत्पादन बिक्री कर सकती है। घर में ही आप ये व्यवसाय कर सकते हैं और 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आया होगा तो। दोस्तों बस इतना ही, ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।